आज के इस वाले वीडियो में हम एम एस पेन ड्राइंग करने जा रहे हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, हम अपने कंप्यूटर में एम एस पेन को ओपन करते हैं, अपने करना चाहते हैं और फिर जैसे कि पेन ओपन हो गया है एम एस पेन, और फिर मैं इधर ड्राइंग कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं जाऊँगा इधर, तब मैं ड्राइंग करके देखता हूँ। इधर नोटिफिकेशंस पे चले गए हैं, अब आपको जाना है इधर। और ध्यान रहे कि ये चीज़ और ध्यान रहे कि ये जो ऐसा है ये हमेशा ब्लू ही होना चाहिए, बस ये ऐसा। तो फिर जब ऐसा हो जाए तो आपको जितना बढ़ जाए, मतलब कि मुझे उतना स्क्रीन शॉट लें, जो आप एम एस पेन में बनाना चाहते हैं वो उतना इधर स्क्रीन शॉट लें। मैंने उतना बड़ा स्क्रीन शॉट ले लिया है, अब मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। मेरे पास मेरा दूसरा है, तब मैं जाऊँगा जहाँ पर मेरा एप है। इधर जाने के बाद मुझे जाना है सेव। सेव जाने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को बैक कर देना है और आपको अपना एम एस पेन ओपन करना। तो एम एस पेन ओपन हो जाए तो आपको इधर पेस्ट पे चले जाना है, क्योंकि आपको ये मैथ मिल जाएगा। जब ये मिल जाए आपको तो इधर आपने पेस्ट पे चले जाना है, और आपको पेस्ट नहीं बल्कि पेस्ट फ्रॉम करना है। अरे हो जाए, अच्छा फिर जब ये आ जाए तो आपने कैमरा रोल पे चले जाना है। चले आपने थोड़ा नीचे जाना है तो आपको इस वीडियो मिल जाए, इसका स्क्रीन शॉट मिल जाएगा। ये मैंने अपने स्क्रीन शॉट किया है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। मेरा ही मैंने ऐसे स्क्रीन शॉट लिया था, तो फिर ये मेरे पास आ चुकी है। अब बहुत ही ईजी है, अगर आपको याद न रहे तो आप साथ साथ वीडियो देखें और साथ साथ करें। गुड बाय, खुदा हाफिज़।